हाय फ्रेंड, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं बेस के विद्यासागर सिंह के चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जो भी रीजनिंग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो पर लाइक करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। देखिए आज शुरू करते हैं आज का रीजनिंग। तो देखिए, रीजनिंग में क्वेश्चन जब देता हूँ तो आप वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को हल कर लीजिए, अगर आपको आंसर सही आता है या नहीं आता है तो बारी बारी से मिलाते चलिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं 165, 195, 255, 285, 345, इसके बाद खाली स्थान है, आपको यही भरना है। देखिए, संख्या श्रेणी है यानी नंबर सीरीज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं संख्या श्रेणी। तो देखिए, संख्या श्रेणी हमें किस ओर ले जाता है उसी पे हमें निर्भर होना पड़ेगा, उसी के जैसा हम भी ले चलेंगे। तो देखिए, यहाँ साफ साफ देखिए यहाँ पे कितना बड़ा है, आप पहले वीडियो रोक कर आप बना लीजिए, तभी आप आगे वीडियो को देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 30 बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है 30, यहाँ पे 60 बढ़ा हुआ है, प्लस में 60 हुआ है। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे घटेगा 30 यानी बढ़ा है, और यहाँ पे 60 बढ़ा हुआ है, तो हमको सीधे पता चल रहा है। देखिए 30, 60, 30, 60, 30, क्योंकि 30 के बाद 60 तो फिर 30 होगा, 30 बढ़ेगा तो हो जाएगा 375, आपका सही जवाब हो गया 375, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिए हुआ है 2, 4, 12, 48, 240, तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप वीडियो को रुक कर अपने बना लीजिए रीजनिंग को, सही आंसर आएगा तो मिलाते जाइएगा। तो देखिए आपका कितना आ रहा है, आप कमेंट में जरूर लिखिए, आप बताइए आपको कितना सही हुआ, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे क्या हुआ है, तो इसमें देखिए 2 से गुणा हुआ है, 2 से गुणा, इसमें देखेंगे तो इसमें 3 से गुणा हुआ है, इसमें 4 से गुणा हुआ है, इसमें 5 से गुणा हुआ है, तो देखिए इसमें 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1440 यानी दूसरे का 1440 होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए दिए हुआ है 15, 20, 30, 45, 65, 65, बताना है अगला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए, यहाँ पे कितना बढ़ा रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 10 बढ़ा है, यहाँ पे देखिए 15 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 20 बढ़ा है, तो यहाँ पर जाहिर सा बात, देखिए 5, 10, 15, 20, 25 बढ़ेगा, 25 बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 हो जाएगा तीसरा का आंसर। चौथा देखिए, चौथा ध्यान से देखते जाइए और आप वीडियो जरूर रोक रोक कर बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या भरना है, देखिए हम तो बना लिए हैं, बहुत सोच समझ के बनाए हैं, एक भी गलती नहीं हुआ, आप में विश्वास करिए। आप बस बताइए, यहाँ पर पहले वीडियो रोक लीजिए और आप बना लीजिए कितना आपका आ रहा है, और देखिए मैं बता रहा हूँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा तो आपका कितना सही हुआ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर किस तरह से किया हुआ है, देखिए यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 8 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है 16 बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी 16 बढ़ रहा है, यहाँ पर हमको लग रहा है 24 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 24 बढ़ेगा। देखिए कैसे 8, 8, 16, 16, 8, 8, 16, 16 और 24, 24, ठीक है। तो 24, 24 बढ़ेगा, 24 बढ़ेगा हमारा, तो 23 में हो जाएगा 97, देखिए इसमें 24 जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा, यानी हमारा 97 जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 3, 10, 20, 33, 49, 68 और यहाँ खाली स्थान है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए कितना बढ़ा है, तो यहाँ 7 बढ़ा है, यहाँ यहाँ देखिए 10 बढ़ा है, यहाँ तो यहाँ देखिए 13 बढ़ा हुआ है, यहाँ तो यहाँ 16 बढ़ा है,
और यहाँ देखिए कितना बड़ा है, यहाँ बड़ा है हमारा 19, तो यहाँ कितना बढ़ेगा। तो इसी के तरीके अपने नंबर सीरीज पे ध्यान दीजिए, नंबर सीरीज पर किस तरह बढ़ा रहा है। देखिए तीन बढ़ाया, फिर तीन बढ़ाया, तीन बढ़ाया, तीन बढ़ाया, तीन बढ़ाएगा, तीन बढ़ाएगा तो यानी 22 बढ़ाएगा, 22 बढ़ा जाएगा, 22 जुड़ेंगे तो इसमें 22 जुड़ने पर हमारा आ जाएगा 90 आंसर। तो देखिए हम इसके बाद पांच क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, पांचों क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 5, 10, 14, 17, 22, 26, 29 डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या बढ़ रहा है, यहाँ देखिए क्या बढ़ा, 5 बढ़ा है, यहाँ देखिए यहाँ पे 4 बढ़ा हुआ है, यहाँ 5 और यहाँ 4, तो यहाँ देखिए 3 बढ़ा हुआ है, फिर देखिए यहाँ पे 5 बढ़ गया, तो फिर कोई घबराने की बात नहीं है, आगे बढ़ाते जाइए। तो यहाँ पे देखिए 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे 3 बढ़ा, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 3 बढ़ा है और यहाँ पर भी 3 बढ़ा है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए 5, 4, 3, 5, 4, 3, तो फिर 5 होगा तो 5 बढ़ जाएगा, तो 5 बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 34, ठीक है। तो छठवें का सही आंसर 34 हो जाएगा। बात करते हैं सत्रहवें का, सातवां क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, 2, 5, 4, 8, 6, 11, 8। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ गया और 1 कम हो गया, यहाँ पे 4 बढ़ गया और यहाँ पे 2 कम हुआ, यहाँ पे 5 बढ़ा और यहाँ पे 3 कम हो गया। यहाँ पे देखिए 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा तो 6 बढ़ेगा, 6 बढ़ेगा तो हमारा हो जाएगा 14, यानी 17 का आंसर सही आंसर हो जाएगा 14। बात करते हैं आठवें क्वेश्चन का, आठवां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आठवां क्वेश्चन है 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12, 23, आपको बताना है यहाँ पे क्या हुआ, तो आप तो जान गए होंगे, देख लिए होंगे, चलिए उससे मतलब नहीं है, मैं तो बना लिया हूँ। तो देखिए समझ लीजिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ऐसे बनाते चलेंगे, आप एका होगा आपसे गलती हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ऐसे ऊपर में देखिए, यहाँ से 3 का पहाड़ा, फिर 3 का पहाड़ा, ये 3 के पहाड़ा में है, देखिए ध्यान दीजिए 3 × 6, 3 × 9 और 12 ये पहाड़ा में है, बच रहा है इसको, देखिए अगर इसको वाला बताना होगा तो होता दूसरा अक्षर, तो हाँ हम पहाड़ा से लेकर बता देते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बताना है बीच में वाला, बीच में वाला बताना है तो बीच वाला को लेकर चलेंगे, तो इसमें देखिए 6 बढ़ रहा है और इसमें भी देखिए 6 बढ़ रहा है, तो इसमें भी देखिए 6 बढ़ेगा, तो 6 बढ़ेगा तो हमारा 12, 6 हो जाएगा 18, यानी 18 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। नौवां, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, हमको समझ में नहीं आते हम वीडियो को थोड़ा धीरे धीरे बनाएंगे, क्योंकि देखिए वीडियो को फास्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूँ वीडियो लंबा होगा तो आप लोग को ही देखने में समय की ज़्यादा बर्बादी हुई, जो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट का समय बचेगा तभी मेरा सारा वीडियो देखेगा और अच्छा से पढ़ पाएगा, आप लोग भी पढ़े पढ़ना होगा, किताब से भी पढ़ना होगा, कोचिंग से भी पढ़ना होगा और ऑनलाइन भी पढ़ना होगा, इसीलिए मैं वीडियो को चाहता हूँ छोटा छोटा बने, ठीक है। तो देखिए नौवां क्वेश्चन की बात करते हैं, 1, 6, 13, 22, 33 और यहाँ पर बताना है आपको क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे 5 बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 7 बढ़ा है, यहाँ पे देखिए 9 बढ़ा है, यहाँ पे 11 बढ़ा है, ध्यान से देख लीजिए, आप तो रोक रोक को वीडियो क्वेश्चन बनाते रहिए, यहाँ पे देखिए 13 बढ़ेगा,
13 बढ़ेगा तो यहाँ पर 46 हो जाएगा, इसके सही तो हो जाएगा 46। बात करते हैं दसवें क्वेश्चन का, दसवां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दसवां क्वेश्चन है 3, 4, 6, 6, 10, 18 और इसके बाद बताना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ने से केवल काम नहीं चलेगा, हम तो बना लिए हैं, देखिए दुगना करके एक घटाया है, दुगना करके सॉरी दुगना करके दो घटाया है, देखिए इस 3 का दुगना होगा 6 और 6 में से 2 घटाया है तो 4 लिखा है, ठीक है दुगना करके 2 घटाया, इसमें दुगना करके 6 और 6 में से 2 घटा दिया है, इसको भी देखिए 2 से गुणा करके 2 घटाया है, 2 से गुणा करके 8 और 8 में 2 घटाया है 6, इसमें भी देखिए 2 से गुणा करके 2 घटाया है, 2 से गुणा करके 12 और 2 घटाया है 10, इसमें भी 2 से गुणा करके 2 घटाया है, देखिए ध्यान से 2 से गुणा किया और 2 घटा दिया, कैसे 2 से गुणा किया देखिए 2 में 10 में गुणा करके 20 और 2 घटाया है 18 आया है, तो हम भी 2 से गुणा करके 2 घटाएंगे, क्योंकि नंबर सीरीज हमें इस ओर ले जा रहा है तो हम भी उसी ओर चलेंगे, देखिए 36 में 2 घटाएंगे 34, आपका 34 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए आज मैं 10 क्वेश्चन बताया और एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, आप उसको जरूर बनाइए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 19, 24, 18, 25, 17, 26 से यहाँ पे डबल डॉट है, यहाँ पे आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन को बता के सही आंसर बताना है, जो भी इसके सही आंसर बताएगा मैं इसके कमेंट को पिन करूँगा, और देखिए ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने बात को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अगर आप मुझसे कोई रीजनिंग बनवाना चाहते हैं तो सीधे मेरा व्हाट्सएप पे अपना रीजनिंग सेंड कर सकते हैं, मैं उसको बनाकर अपने वीडियो के थ्रू डाल दूंगा। यहाँ पे देखिए सभी तरह का रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो भी रिश्ता नाता होता है या खाली स्तंभ भरा जाता है, लुप्त अंक जो गायब अंक रहता है उसको भरने में मदद करेंगे। तो देखिए सभी तरह का रीजनिंग देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमको इजाज़त दीजिए जाने के लिए, मैं अगला वीडियो में मिलूँगा, तो ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।